यह सोचना भूल है कि सभी मनुष्य के लिए सुख ही प्रेरणा होती है। उतनी ही बड़ी संख्या तो उनकी भी है जो दुख की खोज करने के लिए ही जन्म लेता है। संकल्प स्वतंत्र नहीं होता, वह भी कार्यकरण से बंधा हुआ एक तत्व है, लेकिन संकल्प के पीछे कुछ है जो स्वतंत्र है। धर्म वह वस्तु है जिससे पशु मनुष्य तक और मनुष्य परमात्मा तक उठ सकता है। कोई भी पति पत्नी के केवल पत्नी के नाते नहीं प्रेम करता, ना कोई भी पत्नी पति को केवल पति के नाते प्रेम करती है। पत्नी में जो परमात्मा तत्व है उसी से पति प्रेम करता है। पति में जो परमेश्वर है उसी से पत्नी प्रेम करती है। प्रत्येक में जो ईश्वर तत्व है वही हमें अपने प्रिय के निकट खींचती है। प्रत्येक वस्तु में और प्रत्येक व्यक्ति में जो परमेश्वर है वही हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर ही सच्चा प्रेम है। आगरा का ताज देखकर स्वामी जी ने कहा, यदि यहाँ के संगमरमर के एक टुकड़े को निचोड़ सको तो उसमें से राजसी प्रेम और पीड़ा के बूंद टपकेंगे। और भी उन्होंने कहा, इनके अंदर के सौंदर्य के शिल्प का एक वर्ण इंच समझने के लिए सचमुच 6 महीने लगते हैं। परोपकार ही धर्म है, पर पीड़ा ही पाप। स्वतंत्रता पुण्य है, पराधीनता पाप है। दूसरों से घृणा करना पाप। परमात्मा में और अपने आप में विश्वास पुण्य है, संदेह ही पाप है। एकता का ध्यान पुण्य है, अनेकता देखना ही पाप। विभिन्न शास्त्र केवल पुण्य प्राप्ति के ही साधना बताते हैं।